बेटा अनुष्का पानी लेकर आ। जी पिताजी लाई। वो पिताजी मेरी कुछ किताबें आनी है। ठीक है बेटा, मैं सेठ जी से पैसे लाकर तेरी किताब ला दूंगा। सेठ जी, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे देते। अरे रामू, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की किताब लेकर जानी है पढ़ाई के लिए। अच्छा बता रामू, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? बस सेठ जी, ज़्यादा नहीं, 2000 रुपये। अच्छा लो रामू। और हाँ सुनो, आज तो तू लेट आया, कल लेकिन टाइम से आ जाना। ठीक है सेठ जी, कल लेट नहीं आऊँगा मैं। बेटा अनुष्का, मैं ले आया तेरी किताब। पर पिताजी, ये किताबें तो बहुत महंगी आई होंगी ना? बेटी के लिए क्या महंगा और क्या सस्ता, मेरे लिए तू ही तो सब कुछ है। पापा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। बेटा अनुष्का, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? तुम यहाँ पे लेटो, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ, उससे तुम्हें आराम हो जाएगा। अरे घर पर है कोई क्या? रामू कहाँ है? कौन हो तुम और मेरे पापा को कैसे जानते? मैं सेठ जी का लड़का हूँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, वो चारपाई पे लेटे हैं। क्यों रामू, आज काम पर क्यों नहीं आया? तुझे तो पता है हमारे यहाँ बिना काम किए पैसे नहीं मिलते हैं। छोटे मालिक, मेरी आज तबीयत खराब थी इसलिए मैं काम पर नहीं आया। तुझे पता है अगर तू 2 दिन काम पर न गया तो मेरे पिताजी ने तुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं सेठ जी, यही नौकरी तो हमारे एक जीने का सहारा है, और ये नौकरी इसे निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे नहीं पता, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। और हाँ, तेरी लड़की भी तो पढ़ी लिखी है, इसे काम पर क्यों नहीं भेज देता? अरे नहीं सेठ जी, इसकी अभी पढ़ाई चल रही है, ये काम पर कैसे जाएगी? बारामू, तेरे घर में एक खाने का दाना भी नहीं है और बेटी को कॉलेज में पढ़ा रहा है। और आरामू, कल तेरे घर से कोई काम पर नहीं आया तो पिताजी से क्या करना, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। क्यों ना पिताजी, काम पर मैं ही चली जाती हूँ, वरना वो तुम्हें काम से निकाल देंगे, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। पिताजी, मैंने तुम्हारी दवाई अलमारी पर रख दी है, जब भी तुम्हें दर्द महसूस हो तो लेके खा लेना, और मैं जा रही हूँ काम पर, सेठ जी के यहाँ। ठीक है बेटा, संभाल कर जाना। ठीक है, मैं तो ठीक से चली ही जाऊँगी, मगर तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ टाइम से दवाई जरूर खा लेना। सेठ जी बताइए मुझे क्या काम करना है। अरे बेटी आ गई तुम, ऐसा करो इस घर की साफ सफाई कर दो, उसके बाद बताऊंगा फिर तुम्हें काम।
ठीक है सेठ जी, अभी करती हूँ। ओए लड़की, ये काम बंद कर, मेरे लिए कप चाय लेकर छत पर। जी छोटे मालिक, अभी लेके आई। ये लो छोटे मालिक। ये क्या बदतमीजी छोटे मालिक, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं सेठ जी को बता दूंगी। ठीक है सेठ जी, मैं घर चलती हूँ। ठीक है बेटे, जाओ घर, कल सुबह जल्दी आ जाइए। ठीक है। और सुना राहुल, आजकल क्या हो रहा है? और तू पार्क में घूमने भी नहीं आ रहा है? बैठ यार, कुछ नहीं, घर का काम ज्यादा है। अरे यार मुझे सब पता है, तू क्यों नहीं आ रहा घूमने के लिए? जब तेरे घर में हरियाली है तो तू क्यों आएगा पार्क में घूमने के लिए? यार मैं समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? अरे यार तेरे घर में इतनी अच्छी नौकरानी है, तू उससे बात क्यों नहीं कर लेता? अरे यार तू घर में होकर भी कुछ नहीं कर पाता। देख सुन, मैं बताता हूँ, जब घर में कोई ना हो ना तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। हाँ यार ये बात तो तू ठीक कह रहा है। हेलो, हाँ यार मैं राहुल के घर हूँ। अच्छा चल अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है फिर राहुल, मैं चलता हूँ, बाय बाय। छोटे साहब जी, बड़े साहब, कोई है? कोई है घर पे? कोई है? हाँ अनुष्का, क्यों चिल्ला रही हो? आज घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा ना मंदिर गए पूजा करने के लिए, आते ही होंगे। अच्छा, मैंने सोचा आज कोई नहीं है घर पर। मालिक तो तुम ही बता दो क्या काम करूँ मैं। काम बाद में करना, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ठीक है। आज तो बहुत अच्छा मौका है इसके साथ गलत काम करने में, मम्मी पापा को ना अभी आने में टाइम लगेगा। क्या काम करूं? आ चल अंदर बताता हूं तुझे काम चल रही है या नहीं, वरना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। उस दिन तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी, मगर मैं आज नहीं होने दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। और एक बात कान खोल के सुन लो, गरीब बेशक हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। अरे बेटा राहुल, ये क्या हो रहा है? पिताजी पिताजी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है और कह रही है मैं गरीब हूँ तो मेरे साथ कुछ भी करो। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ तेरी करतूत, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। चल मैं तेरे पिताजी से तेरी शिकायत करूंगा, तब तुझे पता चलेगा। अरे रामू, यहाँ पड़ा हुआ तू अपनी बेटी से पैर दबा रहा है, इससे पूछ मेरे घर पर जाकर इसने क्या किया है। अरे बेटा अनुष्का,
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इनके घर पर। अरे बेटा राहुल, चले यहाँ से। मरने दो इन गरीबों को, मरती हैं तो हमें क्या, हमें तो काम वाले और भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये झूठे ही होते हैं गरीब। करती हैं क्या और फिर यहाँ कर यहाँ क्या बदल रही है ये। अरे पिताजी क्या हुआ? घबराओ मत, मैं तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ, तुम यहीं लेट जाओ। पानी 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 सब्जी पानी पानी सब्जी पानी सब्जी आपको क्या हुआ? पानी 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 ठीक हो ना आप? बेटे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। साहब जी अब तो आपकी तबीयत ठीक है? बेटा अब मेरी तबीयत ठीक है। और तुम कहाँ रहती हो और इधर भागती हुई कहाँ जानी थी? अच्छा बेटा मुझे ऐसा लगता है तुम पढ़ी लिखी हो। हाँ बाबूजी, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ लेकिन गरीबी के कारण कुछ कर नहीं पाती हूँ। ये लो बेटा मेरा कार्ड, कल सुबह मेरी ऑफिस आकर मिल लेना। अभी तुम्हारे पिताजी को दवा की जरूरत है, उन्हें दवाई जाकर दो। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद, मैं चलती हूँ। सर साहब जी से मिलना है। चलो आओ मेरे साथ, सर ऑफिस में है। ये रहे सर, आप मिल सकती हो। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा तुम आओ बैठो। बेटा ये काम तो अच्छा किया कि तुम सुबह सुबह आए। मैं अपने पीए को बुलाता हूँ और तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दिलाता हूँ। अजय मेरे ऑफिस में आओ। जी सर, क्या बात है? अजय मैंने इस लड़की को मैनेजर की पोस्ट दे दी है, तो इनका ऑफिस दिखा दो। ओके सर। मैडम आओ मेरे साथ। आइए मैडम, ये रहा आपका ऑफिस। अरे भाई तू इतना उदास मत हो यार। भाई उदास ना हूँ तो क्या हो, जब से मेरे मम्मी पापा गुजरे हैं तब से मेरी यार दुनिया ही उजड़ गई, मेरे खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। राहुल यार मेरी एक कंपनी में जॉब की बात चल रही है, ऐसा कर तू भी मेरे साथ चल। प्राइवेट जॉब करने से कम अपना खर्चा तो चलेगा यार। चल ठीक है यार, जब तू कह रहा है तो मैं तेरे साथ में जॉब कर लूंगा। चल यार फिर जल्दी चलते हैं, देर मत लगा, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। देख यार यही वो कंपनी है जिसमें हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर हम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। गुड मॉर्निंग। अभी रुको, मैम से बात करने दो मुझे। मैम कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। भेज दो मेरे पास। ओके मैम मैं भेजता हूँ। ठीक है आप जा सकते हो मैम के ऑफिस में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ओए नौकरानी तू मालिक की कुर्सी पर कैसे? अरे यार कुछ नहीं,
यहाँ पर चाय पानी का काम करती हुई, इसीलिए मालिक ने रख लिया होगा इसे। इसने कपड़े तो ऐसे पहन रखे हैं जैसे यही कंपनी की मैनेजर हो। ओए, जरा तमीज से बात कर, इस कंपनी की हकीकत में मैनेजर हूँ मैं। क्या सच में तुम इस कंपनी की मैनेजर हो? सॉरी मैडम, भूल हो गई हमसे आपको पहचानने में। वैसे तुम अमीर लोगों को हमारी इस छोटी सी कंपनी की याद कैसे आ गई? अरे मैडम, वैसे तो हमारी आदत अब भी नहीं बदली, पर क्या करें, हमारे हालात ही ऐसे हो गए जो आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए आना पड़ा। अच्छा, अब भी एटीट्यूड नहीं गया? मैडम हंसकर बात मत करो, प्लीज हमें जॉब दे दो। क्या तुम्हें नौकरी दे दूं, वो भी ऐसे इंसान को जिसकी एक गलती की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया? मैडम गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गलती भला हो इस कंपनी के मालिक का जिसने मुझे इस काबिल समझा, मैं तुम्हें क्या समझूं? निकल जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट।